स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर डा में। दोस्तों आज हम SBI की दो ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिन्होंने पहले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है और इन दोनों ही स्कीम का हम कंपैरिजन करके चेक करेंगे कि कैसे इसके अंदर आपको निवेश करके एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सी स्कीम ज़्यादा बेहतर रहेगी। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि एक स्कीम के अंदर अगर आप एक बार 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो यहाँ से करीब आप 1,18,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं, जबकि दूसरी स्कीम के अंदर आप 1,000 रुपये महीना निवेश करके करीब 70,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। इसे हम लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्कीम की बात करते हैं। दोस्तों जो स्कीम हम लेकर आए हैं सबसे पहले वो स्कीम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम रिटर्न की बात करें तो स्कीम ने ऑल टाइम में 26.43% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल की बात की जाए तो स्कीम का रिटर्न 18.66% है। 3 साल की बात करें तो स्कीम ने 31.44% का रिटर्न दिया है और 1 साल की बात की जाए तो स्कीम का रिटर्न 8.99% है। जबकि दोस्तों जो दूसरी स्कीम हम लेकर आए हैं उसका नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो स्कीम ने करीब 15.05% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 15.38% है। 3 साल में स्कीम ने 30.93% का रिटर्न दिया है और 1 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 8.29% का है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम की NAV की स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पर उसका NAV का प्राइस है 128 रुपये, रेटिंग स्कीम की 4 है और फंड साइज 12,824 करोड़ रुपये है। मिनिमम SIP की बात करें तो आप 500 रुपये और लमसम 5,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें SBI कॉन्ट्रा फंड की, तो इसका NAV का प्राइस यानी नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 235 रुपये है, स्कीम की रेटिंग 5 है और फंड साइज 6,153 करोड़ रुपए है। बात करें मिनिमम SIP की, तो आप इसके अंदर 500 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं और दोस्तों लमसम यहां पर आप 5,000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें होल्डिंग की, तो यहां पर आपका पैसा टोटल 51 स्टॉक्स में निवेश किया गया है। बैंक निफ्टी के अंदर भी करीब यहां पर 5.9% पैसा यूज किया गया है। इसके अलावा वेदांत फैशन, ब्लू स्टार, फाइन ऑर्गेनिक, राजरतन ग्लोबल, इसी तरह की स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों में पैसा निवेश किया गया है। अगर हम बात करें SBI कॉन्ट्रा फंड का, तो यहाँ पर आपका पैसा बैंक निफ्टी के अंदर करीब 13%, ICICI बैंक के अंदर 3.7%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं, T-bills, उनके अंदर भी पैसा निवेश किया गया है। अब दोस्तों बात करें हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की, जो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का खर्चा, तो दोस्तों ये भी कम है यहाँ पर 0.74% का SBI स्मॉल कैप फंड का। अगर हम कॉन्ट्रा फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये है यहाँ पर 1.06% का। इसी तरह अगर हम बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की, तो SBI स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं आर श्रीनिवासन 2013 से और मोहित जैन 2017 से। जबकि हम बात करें SBI कॉन्ट्रा फंड की, तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं दिनेश बालाचरण और मोहित जैन। अगर हम बात करें यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में रैंक नंबर 1 है। कंपनी स्टार्ट 29 जून 1987 को हुई थी और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 6,43,285 करोड़ रुपए है। दोस्तों दोनों स्कीम का हम कंपैरिजन करके चेक कर चुके हैं, अब हम एक बार कैलकुलेशन करके भी समझते हैं कि यहाँ पर आप कितना बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों बात करें यहाँ पर SBI स्मॉल कैप फंड की, तो इसका ऑल टाइम का रिटर्न 26.43% है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सिर्फ 20% का रिटर्न मिलता है और यहाँ पर आप एक साथ लमसम 50,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो उससे कितना बड़ा फंड बना सकते हैं। दूसरा, SBI कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न करीब 15% है और आने वाले टाइम में भी इतना ही रिटर्न अगर आपको मिलता है और आप 1,000 रुपये महीना निवेश करते हैं, तो यहाँ से आप कैसे एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, आप दोनों को ही एक बार कैलकुलेशन करके भी समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लमसम की SBI स्मॉल कैप फंड की। यहाँ पर अगर आप 50,000 रुपये का निवेश करेंगे और रिटर्न आपको 20% पर एनम मिलता है आने वाले टाइम में, अगर आप यहाँ पर इस पैसे को निवेश करते हैं 5 साल के लिए, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 74,416 रुपये का होगा। 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 1,24,416 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इसी तरह अगर आप इस पैसे को इस फंड के अंदर 10 साल तक निवेश करते हैं, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 2,59,587 रुपये का होगा। 50,000 रुपये आपके मिलाकर आपको करीब 3,09,587 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 15 साल के लिए, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 7,20,351 रुपये का होगा। 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 7,70,351 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 18,66,880 रुपये का होगा। 50,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 19,16,880 रुपये मिलेंगे।
इस तरह इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 47,19,811 रुपये का होगा। 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 47,69,811 रुपये मिलेंगे। अगर आप दोस्तों इस फंड के अंदर इस पैसे को यहाँ पर 30 साल तक निवेश करते रखते हैं तो आपको 30 साल के अंदर करीब 1,18,68,816 रुपये मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रिटर्न 1,18,18,816 रुपये का मिलेगा। जबकि तो अगर हम बात करें SIP की और आप SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर 1,000 रुपये महीना शुरू करते हैं, रिटर्न हम 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 5 साल के लिए। तो दोस्तों आप इसके अंदर 1,000 रुपये महीना के हिसाब से 60,000 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 29,682 रुपये का होगा, यानी कि 5 साल के बाद आपके पास करीब 89,682 रुपये होंगे। दोस्तों इस SIP को अगर आप कंटिन्यू करते हैं 10 साल के लिए तो 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 1,20,000 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो 1,58,657 रुपये का होगा, यानी कि टोटल 10 साल के बाद आपके पास करीब 2,78,657 रुपये होंगे। दोस्तों इस SIP को अगर आप कंटिन्यू करते हैं 15 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब यहाँ पर 4,96,863 रुपये का होगा। 1,000 रुपये महीना के हिसाब से आप इसके अंदर 1,80,000 रुपये का निवेश करेंगे और टोटल इसके अंदर आपको 15 साल के बाद 6,76,863 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस SIP को अगर आप कंटिन्यू करते हैं 20 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 12,75,955 रुपये का होगा। 2,40,000 रुपये SIP के थ्रू इसके अंदर आप निवेश करेंगे, यानी टोटल आपके पास 20 साल के बाद 15,15,955 रुपये होंगे। दोस्तों इस SIP को अगर आप कंटिन्यू करते हैं 25 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 29,84,074 रुपये का होगा। 3 लाख रुपये आपने जो निवेश किए हैं SIP के थ्रू उन्हें मिलाकर आपको करीब 32,84,074 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको 32 लाख रुपये जो मिले हैं, अगर हम अगले 5 साल की बात करें यानी सिर्फ 25 से लेकर 30 साल के बीच ही आपका यहाँ पर पैसा दुगना हो जाएगा। यहाँ पर करीब आपको 30 साल में 70,09,821 रुपये मिलेंगे और 1,000 रुपये महीना के हिसाब से टोटल आप इसके अंदर 3,60,000 रुपये का निवेश करेंगे। तो दोस्तों दोनों ही SBI के बेहतरीन फंड हैं, आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन दोनों ही स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।